हाय फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। वेलकम टू माय व्लॉग इरशीन कौर। आज आप लोगों को पता है हम लोग सिंधिया महल जा रहे हैं और बस हम पहुंचने वाले 2 मिनट में, तो चलो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये एंट्रेंस है महल की। ये तो ऊपर नहीं है और इस महल का नाम है, ये देखो, जय विलास पैलेस। ये 1874 में बना था। यहाँ से पापा टिकट ले रहे हैं, चलो दिखाती हूँ आपको। यहाँ से टिकट ले रहे हैं, चल रहा है। बहुत ही ठंडा है पैलेस, बहुत ठंडा पैलेस है। तो इतना पुराना, ओके, इतना मजबूत, मेरे को तो विश्वास हो गया पुरानी चीज़ें मजबूत होती थी सच में। ये वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ऐसी वीडियोस और लाऊं आपके लिए। जल्दी सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो अभी पापा आ गए, टिकट लेके आ गए पापा। चलो पापा चलते हैं। आप लोगों को पता है मैंने ऐसी चीज़ कभी भी नहीं देखी सच में। एंड पहली बार कोई देखता तो वो एक्साइटेड होता ही है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे उनकी बहुत सारी पुरानी चीज़ें होगी जो उस प्लेट में खाते थे, जहाँ बैठ के खाते थे, जिससे लड़ते थे। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, चलो चलते हैं। देखो तोप भी है यहाँ पे और ये देखो यहाँ पे कितना प्यारा नज़ारा है। तो अब हम जा रहे हैं 100 रूम्स देखने, चलो चलते हैं। और ये हमारे गाइड अंकल हैं जो कि सारी चीज़ें बताएंगे। देखो फ्रेंड्स, ये सारी फोटोज हैं। ये देखो 1916 में पैदा हुए थे और 1961 में इनकी डेथ हो गई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक मूर्ति है। एंड एक्चुअली वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, पर आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। देखो जैन धर्म का स्टैचू कितना बड़ा है ना यार। देखिए फ्रेंड्स, ये राजा जी अभी हैं, ये हैं अभी, ये देखो ये अभी हैं। और ये इनकी वाइफ है जो, ये भी अभी हैं। और ये इनका बेटा है, ये सिर्फ 26 इयर्स के हैं, ये भी अभी हैं कनाडा में। ये भी है, इनका नाम आन्या ही, ये भी इनकी बेटी है जो अभी है। ये चारों हैं, ये पूरी फैमिली अभी हैं इसमें। देखो ये नहीं है, इनकी डेथ हो चुकी है, पर ये हैं अभी और ये भी हैं। जी और रानी जी की चेयर है, देखो बहुत ही प्यारी है, सोने की। पूजा के टाइम यूज करते थे बैठने के लिए। देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर सोना है और ये सारी जो ड्रेसेस है वो सभी सोने की बनी, आप लोगों को पता है। एंड आई कैन नॉट बिलीव कि अभी तक राजा रानी सिंधा हैं। ये है पालकी, जब रानियाँ थी उसमें बैठती थी, जब ये टूट गई तो उसको हाथी के ऊपर रखते थे ऐसे। और ये भी एक पालकी है, ये देखो। ये देखो छोटे बच्चों के खिलौने थे, देखो कैसे थे,
लड़ाई होती थी उसमें, जो कॉस्ट्यूम थी ब्लैक वाइट रेड ये सारी, ये वाली थी सारी कॉस्ट्यूम जब लड़ाई के वक्त होती। ये सारी लड़ाई की कॉस्ट्यूम्स हैं, ये देखो ये सारे लोग थे। ट्रॉफी इन लोगों की, प्राइज भी हैं इनके। ये देखो ये गोल्फ है आई थिंक सो, हाँ ये गोल्फ है, देखो गोल्फ मम्मी पापा गोल्फ गोल्फ। ये देखो ये भी उनके प्लेट्स हैं, ट्रॉफीज हैं, टॉयज हैं, और ये भी ट्रॉफीज हैं, उनके स्टैचूज हैं, ये उनके सोने के कपड़े हैं, और ये देखो सब सोने का बना हुआ है। ये देखो ये उनका टेबल है जिसमें वो बैठते थे, वाओ टेबल। ये उनकी वाइफ, ये उनकी टाइज हैं। ये देखो ये सब उनकी फोटोज। यहाँ से कितना प्यारा व्यू है, वाव। देखो फ्रेंड्स उनके वॉच पेंस आधार कार्ड सब है इधर। राजा और रानी की ये बॉक्स है जिसमें उनके म्यूजिकल्स थे, देखो अभी भी बज रहा है। आप लोगों को बताऊँ तो ये राजा रानी की चेयर्स और टेबल्स हैं। फर्नीचर है पुराना, और पहले का भी कितना अच्छा होता था ना। ये इंग्लैंड का फर्नीचर है, हाथी के दांत के खिलौने हैं। राजा रानी की फोटोज, ये उनकी तलवार, मतलब ये हाथी के दांत से ही बने हैं। ये देखो उनकी, देखो चीज़, देखो फ्रेंड्स ये पुराने टाइम के टेबल चेयर्स और जिसमें वो खाते पीते थे सब। ये देखो मंदिर है उनका। फ्रेंड्स ये एलिफेंट के टीथ हैं, ओ माय कितने मोटे। फ्रेंड्स ये टेबल चेयर्स हैं, और देखो जिसमें वो खाते थे। फ्रेंड्स ये टाइगर हैं, इनके जो आईज और टीथ हैं बस वो आर्टिफिशियल है, पर जो इसकी स्किन है वो अभी तक रियल है। देख के ही बहुत डर लग रहा है। फ्रेंड्स जो छोटे बच्चे थे पहले उनका ये है, वो देखो वो उनकी अलमारी, ये इसमें वो खेलते थे। वाह यार मुझे सच में, मेरे को टच करने का मन कर रहा है, पर ये है ना, वाह उनके टॉयज यार सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेंट है। एंड राजा रानी का ये बेडरूम है, देखो कितनी छोटी सी बेली है उनकी, छोटी सी छोटी सी। फर्नीचर उनका, झूला भी है, वाह यार मेरे को टच करना है, पर कैमरे लगे हैं। ये उनके शूजेस हैं। देखो फ्रेंड्स ये एलिफेंट है, ऊपर देखो इस पर बैठते थे राजा महाराजा सब बैठते थे इसमें, और ये उनके सैनिक हैं। ये उनकी सारी तलवारें हैं, आप कह सकते हो उनके सारे हथियार हैं। ये उनके चाकू हैं, गन्स हैं, कैसे चाकू थे देखो आप देख सकते हो। ये उनके मतलब बचने के लिए, मतलब उनकी कैप, उनकी शील्ड, उनके चेस्ट पे लगाने के लिए, उनके हैंड्स पे लगाने के लिए, उनके लेग्स पे लगाने के लिए, और ये भी उनकी शील्ड हैं, कितनी बड़ी बड़ी होती थी। और ये उनकी बहुत बड़ी बड़ी तलवार है। फ्रेंड्स ये गन है, गन्स हैं सारी, बॉम्ब्स गन्स, दूरबीन दूरबीन। पानी के जहाज में हॉस्पिटल बनाया है। ये देखो फ्रेंड्स कितनी बड़ी गन है भाई, एक इंसान कैसे पकड़ पाएगा इसको। इनकी एक ही पूजा होती थी, तो ये देखो उनको चूल्हा चुलाते थे, ये उनकी पूजा करते थे, पूजा का सामान। बहुत बड़ी बड़ी गन्स, बहुत बड़ी बड़ी।
देखो जो सेकंड रानी थी उनका ये ड्रेसिंग रूम है भाई, कितना ज्यादा ही बड़ा है। ये देखो ये यहाँ तक इनका ड्रेसिंग रूम है। ये देखो फ्रेंड्स, ये फ्लावर पॉट्स हैं इतने बड़े बड़े, इसमें मैं ही आ जाऊंगी। ये ओ भाई ये क्या है, हाथी के दांत से ड्रैगन बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे बैठ लेगा। 2, 3, 1, 2, 3। ये देखो आप सोच नहीं पाओगे है क्या, पर अगर मैं बताऊँ तो आपको हंसी आ जाएगी। ये रूम फ्रेशनर है, मतलब इसमें चंदन ये सब चीज़ें डाली जाती थी इसका ढक्कन खोल के, और ये रूम फ्रेशनर है। ओ माय गॉड, मैं पूछ रही थी अंकल से, अंकल ने बताया ना। ये राजा रानी के पुराने के टाइम का ये बैठ गया देखो जल्ला, और ये भी शीशा है, मिरर्स हैं उनके टाइम की। यू कैन नॉट बिलीव बट ये बच्चों के हैं, जब इन इसमें वो बैठ जाते थे तो उनको घुमाते थे, सब बच्चों के हैं। देखो ये कार, देखो ये कार, ये एरोप्लेन सब, ओ यार एरोप्लेन भी थे, जीप, सब बच्चों के। कोई ये ट्रेन है जिसमें खाना रखते थे और वो ट्रेन देती थी खाना, वाओ बफेलो। ओ बेटे रियल स्किन वाला टाइप, मेरे को नहीं देखना भाई, बहुत ही खतरनाक, मेरे को ही देख रहा है, सिर्फ मेरे को देख रहा है। वीडियो बना रही हूँ मेरी, तू मेरी वीडियो बना रही है, सबसे बड़ा झूमर। ओके एंड ये उनकी मूर्तियाँ ये सब, और इनकी पटरियाँ टेबल पे। टाइम फॉर पार्टी, ये देखो यहाँ पे पार्टी होती थी, और ट्रेन देखो कैसे चलती थी, ट्रेन ऐसे चलती थी। टेबल्स के ऊपर चलती थी ट्रेन ऐसे, वो जो पड़ी है ना सीधे ऐसे चलती थी ट्रेन। क्लोथ्स सोने के, आपको पता है सारे जो राजा रानी के क्लोथ थे सब सोने के। ये देखो सब सोने का है, वह परफ्यूम। यहाँ पे वो लोग बैठते थे, महाराजा महारानी महाराजा और सबकी फोटोज लगी हैं और टेबल पे, और सबसे अच्छी बात बताऊँ यहाँ के सबसे बड़े झूमर, ये देखो सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े झूमर राजा महाराजा, और वो भी दो दो। तो फ्रेंड कितना बड़ा क्रिसमस ट्री है, वो भी गमले में, यू नो मीन गमले में। उनकी रॉयल किचन है, वाओ रॉयल किचन भी कितनी प्यारी होती थी पहले। अभी दिखाऊं आपको रॉयल किचन का मतलब क्या है। रॉयल किचन का मतलब ये होता है बर्तन, ये देखो ये सब, ये किचन है, पतीले, वॉश बेसिन, सिंक, वाओ। ये जूसर है, जूसर, और वो गन्ने का जूस निकालने के लिए। ओ वाओ किचन, वाओ मैं तो पहले का लग ही नहीं रहे सामान, ओ माय गॉड पहले के तो ये लग ही नहीं रहे, वाओ यहाँ पर भी सामान है किचन का, ब्यूटीफुल। इधर भी है, इधर भी है, नहीं सीधे यहाँ भाई। इस पर रोटी बनती थी, वो कितनी बड़ी रोटी बनती हुई भाई। ओ भा ओ इतना बड़ा कभी देखा है आप लोगों ने, 300 साल पुराने सारी चीजें। अच्छा भाई ये सब डाली थी पानी वानी, बड़ी चिमनी। ओ फ्रेंड्स वो राजा रानी का घर है वहाँ पे, और आपको बताया था जो जो जिंदा आज सुबह आए थे वो यहाँ पे रहे थे। ये देखो उनके गेट खुला है, हम चले जा क्या, ये उनकी एंट्रेंस है, जैसे ये बड़ा था वैसे वो भी बड़ा होगा ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। मैंने आप लोगों को राजा रानी का पूरा दिखाया, पहले वो कैसे रहते थे, उनके कपड़े, उनके सब। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।